हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट, आपने आज पटवारी दी जिहड़ी क्रैश कोर्स की क्लास सी, ठीक है, रीजनिंग दी। सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लेट हो गए क्लास के लिए, सो सॉरी फॉर दैट। सो आपां सब तो पहला जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। चलो मार्कर ले लिए और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लॉक बेस्ड का, करो भाई सारे। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज राजे आएगी, आवाज सारे ठीक है, इधरों सारा सिस्टम सही है, आवाज आएगी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मनजीत सिंह, लखवीर कौर, हाँ जी लखवीर एंड मनजीत सिंह, करो क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कैलेंडर का। इफ 29 सितंबर 2015 वाज अ ट्यूजडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 सितंबर 2019, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी आ रही है जी, कर दो सारे स्टार्ट, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस दे आंसर करो प्लीज। हाँ जी भाई आंसर करो, बहुत टाइम हो गया, इतना टाइम तो लगाना ही नहीं अपना। ए मनजीत सिंह का आंसर आ रहा है ए। चलो क्वेश्चन देखते हैं, आपा क्या अपन देता है कि 29 सितंबर कदम देता 2015 का, और पूछ कदम लिया 28 सितंबर 2019 का। ऐसा करो तुसी ना, एक बार 29 सितंबर ही निकालो, आप बाद दे विच एक दिन पीछे चले जावांगे, सेम डेट होगी ना, आप एक दिन बाद की है बैक चले जावांगे और, ठीक है। तो 2015 तो अगर 19 तक जाना है तो 4 साल तो डायरेक्ट हो गए, ठीक है, इतने देखेंगे 4 साल तो डायरेक्ट हो गए, 4 दिन तो जाएंगे जाएंगे। और इन्हों दिनों दे विच आप देखिए अगर लीप ईयर किन्ने आ रहे हैं, एक आ रहा 2016 ला प्लस कर देंगे वो, तो 5 दिन अगे जाना पेगा। अच्छा इस दिन इतने की सी बी ट्यूजडे से, तो ट्यूजडे तो अगर 5 दिन अगे जाना है, जो 5 दिन अगे चले जाना होंगे जो 2 दिन पिछे आ जाना होंगे, ठीक है। तो ट्यूजडे तो 5 दिन अगे जाओगे तुम, वेडनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो की आ जाएगा संडे, तो उसके अकॉर्डिंग की बनता है संडे बनता है अगर तुम 5 दिन अगे जाओगे, तो अगर संडे बन गया, लेकिन यह बनया 29 सितंबर का, मैं जाना कितने से 28 सितंबर से जाना सी। अगर ये 29 सितंबर का डे है तो एक दिन होर पिछे जाना पेगा ना मैनू, क्योंकि मैं तो 28 सितंबर से जाना है, तो अगर इतने 29 सितंबर संडे है तो 28 वार के होना चाहिए सी सैटरडे। सो मनजीत सिंह आंसर गलत सीगा, एंड की नाम लखवीर कौर आंसर सही सीगा भाई अज, ठीक है जी, तुक्का ग्रैंड मास्टर आंसर सही सीगा इन्हों का। ओके नैक्सट क्वेश्चन है अपना कैलेंडर कलॉक दे बेस दे ते, ठीक है करो सारे सोल्व। कैलॉग दे लास्ट पटवारी दे विच दो दो क्वेश्चन आए हुए सीगे, सो कैलॉग एंड कैलेंडर क्वेश्चन बड़े बड़े अच्छे तरीके नाल करके जाने हैं तुसी, ठीक है जी। करो भी आ वाला क्वेश्चन करो कि 4:20 तक घंटा हाथ घंटा सुई मतलब किन्ने डिग्रिया विचों लंघिया है जेकर घड़ी रात के 12 बजे है, ठीक है जी। तो आप दसना है कि अगर 12 बजे घड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट राइट टाइम पर है तो 4:20 तक किन्ने डिग्री चली होएगी, ठीक है जी। करो आंसर करो राजे जल्दी जल्दी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वाला, जो कलॉक का क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इजी है। By 4:20 the hour hand has turned through how many degrees if the clock is 12 PM? Raji, इन्ना इन्ना टाइम लगाओगे ना तब एग्जाम दे विच ना क्रैक नहीं कर पाओगे,
सीरियस जी गल ये है, थोड़ी जी स्पीड बनाओ, स्पीड बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, स्पीड दे पिछे लग के एक्यूरेसी नहीं खराब कर लेनी, ठीक है। अच्छा घड़ी अगर 12 बजे सैट की तो यह सोचो कि 4 बजे तक किन्ने घंटे चली, 1 2 3 4 4 घंटे चली, 4 आवर्स चली होएगी, ठीक है। अच्छा 1 आवर्स के किन्ने डिग्री रोटेट होंगी आ 30 डिग्री, तो 4 घंटे कि होएगा भी, 4 आवर्स से कि हो जाएगा 30 × 4 मतलब कि 120 डिग्री, ठीक है। 4 घंटे 120 डिग्री तो हो ही गया। फिर उसने पूछा की सीगा कि 20 मिनट उपर हो रहा है, घंटे वाली सुई 1 मिनट से किन्नी डिग्री चलती है, हाफ डिग्री, तो 20 मिनट से कि चलेगी बी 10 डिग्री, ठीक है। सो 120 डिग्री प्लस 10 डिग्री कि हो गया 130 डिग्री, ठीक है जी। सो आंसर डी आ जाना सीगा 130 डिग्री, सिंपल जहा क्वेश्चन सीगा जिससे इन्ना ज़्यादा टाइम लगाया तुसी, ठीक है राजे समझ गए इस चीज़ नू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे, ओके अगला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया कैलेंडर वाला, इसनों भी चेक करो दोबारा भाई, कैलेंडर वाला क्वेश्चन दोबारा एक हो रहा है कि जेकर 31 अगस्त 2000 शुक्रवार सी तो 31 अगस्त 2009 नू हफ्ते का दिन की सीगा, ठीक है। रिपीट है ये क्वेश्चन भी, ऑलरेडी आप कर चुके सी क्लास के क्वेश्चन भी। मनजीत सिंह डी, बहुत लेट आंसर आया राजे, मेरे आंसर करन तो पहला तुहाडा आंसर आना चाहिए, ठीक है जी। हुण नैक्सट क्वेश्चन है कैलेंडर वाला, जल्दी जल्दी ट्राई करो प्लीज सारे। आ क्वेश्चन है ना जिहड़ा कैलेंडर दा, इहनू भी आपां ऑलरेडी क्लास च डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि 1-2 दिन ही होए होणगे इसनू डिस्कस किते। कि जेकर 31 अगस्त 2000 शुक्रवार सी तो 31 अगस्त 2009 नू हफ्ते का दिन की सी, गुरप्रताप आंसर डी कर रहे ने थर्सडे। चलो चेक कर दें भाई, अपन पता है कि 2000 तो 2009 तक जाइए डेट सेम है, मंथ भी सेम है, 2000 तो 2009 तक जाइए तो 9 साल का डायरेक्ट हो गए, ठीक है। 9 साल डायरेक्ट है और हर एक साल का एक नंबर ऑफ ऑड डेज तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है जी। फिर इन्हों सालों के इस टाइम पीरियड के जो अपने लीप ईयर है वो कि 2000 तो बाद अगर आप गल करिए तो सब तो पहला लीप ईयर कि आएगा भाई 2004 आएगा और उस तो बाद आएगा 2008, इट मीनस 2 लीप ईयर है, ठीक है जी। 9 और 2 11 11 ਨੂੰ ਅਗਰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ ਆਪਣਾ 4, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਔਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਓਡ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ 4 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਅਗਰ 4 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਐਂਡ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਰਾਈਟ, ਸਮਝ ਗਏ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਲੋਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, जल्दी करो सारे ट्राई। सिलोग्स बहुत ही अच्छे तरीके नाल मैं तुम सारे नु कराया है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट नु नहीं आता तो एक बार दोबारा सिलोग्स वाली जो वीडियो है उसनु चेक कर लेना है, राइट। सो करो ट्राई इस क्वेश्चन नु। जल्दी आंसर करो सिलॉग्स का, बहुत ही छोटा जा क्वेश्चन क्वेश्चन है कि ऑल टी आर क्यू एंड नो एम इज टी, सारे टी क्यू हन कोई एम टी नहीं है, क्वेश्चन है राजे, आंसर नहीं आ रहा स्टूडेंट्स का, की हो गया भाई, किधर गए सारे स्टूडेंट्स। लखवीर मनजीत गुरप्रताप आंसर करो राजे, बैठे क्यों हो। चलो देखो भाई सिलॉग्स जिन्हें नहीं आता वो चेक करो,
सब तो पहली लाइन है ऑल टी आर क्यू, सारे टी क्यू हन, ऑल टी आर क्यू। ऑल टी आर क्यू, और दूसरी है नो टी इज एम, कोई भी टी एम नहीं है, राइट। यही सी का हुण इथे कंक्लूजन दे विच देता कि नो टी इज एम, कोई भी टी एम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है था कि इथे भी लिखा है कि नो एम इज टी, कोई भी एम टी नहीं है, और उथे भी कहता कि नो टी इज एम, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड है सम क्यू आर नॉट एम, कि कुछ क्यू एहो जिन्हें जड़े एम नहीं है, ठीक है। तो देखो क्यू और एम का तो रिलेशन नहीं गिवन, लेकिन क्यू का जो पार्ट टी को है वो कदे भी एम नहीं हो सकता, राइट। तो क्या की गया है कि सम पार्ट ऑफ क्यू, सम क्यू आर नॉट एम, तो क्यू का जो पार्ट टी को है वो कदे भी एम नहीं हो सकता, ऐस करके दूसरा भी सही है, राइट। सो गुरुप्रताप जी आंसर आएगा बोथ फॉलो, दोनों ही सही नहीं, गलत कोई नहीं है ना चो, राइट। समझ गए, ध्यान नाल तैयारी, अच्छी तैयारी करो अगर पढ़ने लिए टाइम निकाल रहे हो तो, ठीक है जी। अच्छी तरह हरेक कंसेप्ट सीखो, ओके, लग गया सबनों पता। मनजीत सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना वेन डायग्राम बेस है। करता सी हमें से। ओके, क्वेश्चन है वेन डायग्राम दा, जिस दे विच आया कि उसने दस्ता वेन डायग्राम गिवन बिलो है, रिक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है मेल क्रिकेटर नु। तो तुसी जो तो पेपर दे विच एक क्वेश्चन आएगा तो की करोगे, सब तो पहला जेडे रिक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल, जिस चीज नु रिप्रेजेंट करना उस नु लिख लेना कि रिक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है मेल क्रिकेटर नु, ठीक है जी, मेल क्रिकेटर नु। उस तो बाद एंड द ट्रायंगल रिप्रेजेंट इंडियन, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है इंडियन नु, ठीक है। एंड द सर्कल रिप्रेजेंट इंजीनियर, और सर्कल रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर, ठीक है। तो उसने पूछा की है कहना पता करो व्हाट इज द काउंट ऑफ इंडियन मेल क्रिकेटर हु आर इंजीनियर, इंडियन भी होना चाहिए, मेल क्रिकेटर भी होना चाहिए, और की होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, राइट। तो उसने पूछा कि भारतीय पुरुष क्रिकेटर की गिनती कितनी है जो इंजीनियर हैं, तीन चीजा हो, तीन चीजा हो, मतलब कि तीन ही डायग्राम की करते हो आपस में इंटरसेक्शन हो। तो देख लो तीनों का इंटरसेक्शन कितने मिल रहा है, सिक्स से मिल रहा है, ठीक है जी। सर्कल भी आ रहा है, ट्रायंगल भी आ रहा है, और रेक्टेंगल भी आ रहा है। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। सेवन नहीं आएगा, सेवन दे विच सिर्फ इन मेल है और इंडियन है, इंडियन मेल है जो कि क्रिकेट इंजीनियर नहीं है, ठीक है। उसने पूछा है कि भारतीय पुरुषों की गिनती, ठीक है, जो कि इंजीनियर भी हैं, भारतीय पुरुष क्रिकेटरों की गिनती, सिक्स आंसर आना सीगा, सिक्स, राइट। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग दा, करो सारे ट्राई, डी सिक्स, बिल्कुल सही राजे मनजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी जल्दी, कोडिंग डिकोडिंग दा क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग दे विच देता कि जेकर B3GJ1L4 नू लिखा जाता है D6 9T2XD2X8, तो दूसरा एक वर्ड देता उसका कोड तुसी फाइंड करके लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो तानू क्वेश्चन है इस बार बहुत ही इजी क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, जल्दी जल्दी आंसर करो सारे स्टूडेंट। ए गुरुप्रताप, बी एंड मनजीत सिंह, ए आई थिंक मनजीत सिंह ध्यान नहीं दे रहे, तुसी क्वेश्चन सी का भी B3GJ1L4, और इसका कोड जो बनाया गया की बनाता गया भी D6
सिक्स एन टी टू एल, एल तो बन जाएगा अपना एक्स ते एट। भी चार तो बनाता अठ, डायरेक्टली अपन दिख रहा है कि चार तो बनाता अपना, चार तो बनाता अठ, एक तो बन गया दो, तीन तो बन गया छे, ठीक है, डबल डबल करते ना डायरेक्ट, ठीक है। और ऐसे ही तरह की किता इन्होंने कि जेड़ा अपना बी है दो ते आंदा ए करता चार ते, जी सात ते है एन 14 ते, जे 10 ते है टी 20 ते है, एल 12 ते है और ए 24 ते है, राइट। मतलब की कह रहे हैं जेड़े अल्फाबेट देते हैं उन्हों का भी डबल नंबर करके, मतलब उन्हों का भी जो प्लेस वैल्यू उसनों डबल करके लिख रहे हैं, और जेड़े नंबर दिते ने उन्होंने भी डबल करके लिख रहे हैं, राइट। सो ई 5 ते आंदा इसका डबल की आएगा भी जे आएगा, ठीक है। हुण जे तो सिर्फ दो वर्ड स्टार्ट है, तो फिर लास्ट वाला चेक कर लेने, पांच है, पांच का बिल्कुल डबल की बनेगा 10 बनेगा, सो 10 बनता है इथे, ठीक है, सो 10 बनता है इथे। लेकिन एक गल याद रखो कि अपन पता लग गया कि जा तो मेरा आंसर ये होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन इथे नन ऑफ दीज दिता है। अगर नन ऑफ दीज ना दिता होता तो डायरेक्ट तुसी इसे आंसर लगा के काम खत्म सी, लेकिन जे नन ऑफ दीज दिता है तो तुहानू सारा क्वेश्चन चेक करना ही चाहिए। हो सकता है कि एग्जामिनर कोई एक अक्षर चेंज कर दे, तुसी समझो कि इथे दे इथे बस यही आंसर हो गया, नहीं। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो सारे ही ऑप्शंस चेक करने बहुत जरूरी है, राइट। सो कर ही लेने हैं, ई दा जे बन जाएगा टू तो बन जाएगा फोर, आई नौ नंबर ते आंदा है उसका डबल अठारह, अठारह ते बन जाएगा आर, ठीक है। एम एम आंदा है तेरह ते और इसका छब्बी बनाएगा तो बनेगा जेड, चार का डबल है अठ, सी तीन ते है, तीन का डबल छे और छे ते बनता है एफ, ठीक है जी, और पांच पांच का डबल बनेगा 10। सो चेक करो जे फोर आर जेड एट एफ 10, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी। लेकिन एग्जाम दे विच कुछ नहीं पता होता अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन देके कोई एक अक्षर चेंज कर देंगे, राइट। सो एग्जाम च अगर बैठे हो नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो सारा क्वेश्चन चेक करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है भी, अगला भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसनों भी ट्राई करो सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी। करो, एक मिनट का टाइम है तेरे को, सारे एक मिनट का तो क्वेश्चन ही नहीं है वैसे, एक मिनट का टाइम बहुत ज्यादा है, 30 सेकंड का टाइम मान के चलो और जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करो भाई। पंजाबी दे विच ना थोड़ी जी मिस्टेक है, आ दिल्ली है ना जिहड़ा इंग्लिश दे विच ही दिल्ली लिखना और मद्रास नू इंग्लिश ही लिखना, पटना भी इंग्लिश ही लिखना, ठीक है। ये तो ट्रांसलेट किया उस वजह करके चेंज हो गए पंजाबी च, लेकिन दिल्ली दिल्ली ही लिखा होएगा उत्थे, और मद्रास मद्रास ही लिखा होएगा, और पटना पटना इंग्लिश ही लिखा होगा मतलब, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि दिल्ली नू लिखा जाता है, दिल्ली नू लिखा जाता है सी डी के जी एच। जो तो मैं आ लिखा ना मैनू पता लग गया कि एक एक लैटर ना रिवर्स जा रहा है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं सी, मैनू पता लग गया कि सी डी डी तो बाद ई आई जे के तो बाद एल जी तो बाद एच एच तो बाद आई, की हो रहा है सारे जे एक एक रिवर्स हो रहा है, माइनस एक सब चे ही माइनस एक चल रहा है। तो जेड़ा अपना पटना लिखा गया है पी ए टी एन ए, ये भी माइनस एक एक होने चाहिए ने, ठीक है जी, ये भी माइनस एक होने चाहिए ने। अगर पी तो एक रिवर्स जाते हो तो ओ आना चाहिए, और ए तो रिवर्स जाते हो तो जेड आना चाहिए। देखो किहड़ा वर्ड दिता है जेड़ा ओ और जेड तो स्टार्ट है, सिर्फ एक ही वर्ड गिवन है, ऑप्शन बी, राइट। सो आंसर हो गया, सारा करने की जरूरत नहीं, इससे कहड़ा नन ऑफ दिस दिता है, ठीक है जी, इससे तो नन ऑफ दिस दिता ही नहीं होया, तो अपन पता लग गया भी वही आंसर होएगा मेरा, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कोडिंग डिकोडिंग का, इसनों भी करो राजे जल्दी। बिल्कुल सही सी मनजीत सिंह, आंसर था लास्ट क्वेश्चन का गुरप्रताप, सही है। अगला क्वेश्चन करो,
भाई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। जेकर तुसी ना इवनिंग बैच की क्लास लगाई होएगी जिहड़ी ऑनलाइन चलती यूट्यूब से, उस दे विच भी एक बार ये क्वेश्चन कराया सीगा मैं, कि उस दे विच सीगा कि विजे का कोड लिखा गया है, विजे का कोड लिखा गया है DIAAG, और कोड पता करना सीगा सूरज का, कोड फाइंड करना सीगा सूरज का। तो इसनों करना की सीगा प्लेस वैल्यू लिख लो बस, ये 22 है, ये 9 है, ये 10 है, 1 ते है और ये 25 है, ठीक है, ये 7 ते है, 1 ते है, 1 ते है, 9 ते है और ये 4 ते है। भाई 22 तो 4 आ गया, किवें आ गया, 2+2 करके, आई एज इट इज, 9 है, सिंगल डिजिट है, सिंगल रखता, जे तो 1 आ गया, मतलब कि 10 तो 1 आ गया, मतलब 1+0 1, 1 एज इट इज, 2+5 7, मतलब कि जो प्लेस वैल्यू हुआ है, अगर प्लेस वैल्यू डबल डिजिट दे विच है तां उहनां दा जोड़ करके नंबर लिख रहा है, बस अल्फाबेट लिख रहा है, जिस तरह 19 ते है, 21 ते है, 18 ते, 1 ते और 10 ते। तो आपां पता है 9+1 10, 10 ते आएगा जे, 2+1 3, 3 ते आ गया सी, 8+1 9, 9 ते आ गया आई, ए दा ए एज इट इज, और जे दा फिर प्लस करांगे तो आ जाएगा ए, ठीक है। सो जे सी आई ए ए, ऑप्शन ए है जिहड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता, जे सी आई ए ए, ठीक है। अपनी जो इवनिंग क्लास की बैच है उस भी क्वेश्चन कराया होया सी मैं तुहानू, ठीक है, ये क्वेश्चन बोलना चाहो ऐसे ही, यही वजह है कि बार बार रिपीट करा रहे हैं क्योंकि पेपर के विच इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे, अपने अगला भी जो क्वेश्चन है अपना कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है, मनजीत सिंह गुरप्रताप, आंसर तो आते हैं लेकिन बहुत लेट करते हो जो मैं सॉल्व करना शुरू कर देना, सो मेरे सॉल्व करने तो पहला तेरा आंसर आना चाहिए है। अगला क्वेश्चन है कहना, जेकर नीलम नू ओ जी एच पी एफ एस लिखा जाता है अते गर्मिया नू एच सी यू एम आर सी लिखा जाता है, तो उसे कोड भाषा विच विशेष नू किवें लिखा जाएगा, ठीक है जी। पंजाबी राजे समझ तो गए हो गए है ना, क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, समझ ही सकते हो तुसी है ना, देखो ना नीलम और गर्मिया के वर्ड्स नू आपां मिला के कदे भी विशेष नहीं बना सकते, राइट, मतलब कोई ना कोई पैटर्न ही लग रहा है इससे, वो पैटर्न ही फाइंड करना है किड़ा लग, ठीक है। तो कोई भी वर्ड लिख लो, चाहे नीलम लिख लो चाहे गर्मिया लिख लो, और फिर कर दे आपां चेक। मान लो मैं लिख लिया गर्मा GARIMA, और गर्मिया का जो कोड सी वो सी HCUMRC, हुण इन्हां दी करदे आपां प्लेस वैल्यू लिखते हैं, जी 7 ते है, 1 ते है, 18, 9, 13 ते 1, ये 3 ते है, ये किन्ने ते भी 18 ते, ये किन्ने ते है 13 ते, ये किन्ने ते है 21 ते, ये 3 ते है और ये भी किन्ने ते है भी 8 ते है, ठीक है जी। सो अगर आपां गल करिए तां 7+1 8, 1+2 3, अगले च 3 ऐड हो गया, अगले च 4 ऐड हो गया, फिर 5 ऐड हो गया, और फिर अपना इतने ना सी नहीं जी होना चाहिए सी, 6 ऐड होना चाहिए सी, 1 2 3 4 5 6, इतने ना राजे सी नहीं है, इतने जी होएगा, इतने जी है, ठीक है, थोड़ी जी मिस्टेक है, एरर है क्वेश्चन जी, इतने होना चाहिए सी 7, ताकि ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग की है इन्होंने नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। मतलब इतने +1 है, फिर +2 है, +3 है, +4 है, +5 है और +6 है, ठीक है जी, देख ही रहे हो, 7+1 8, 1+2 3, 18+3 21, 9+4 13, 13+5 18, 6+1 7। तो ऐसे तरह विशेष, अगर आप विशेष लिखते हैं VISHES H, ठीक है जी, तो आप लिख लेने इन्हों के नंबर 22 ते, और 22 तो +1 करा 23 और आ जाएगा W, ठीक है। W तो मेरे 3 वर्ड स्टार्ट,
ठीक है जी। उस तो बाद भाई W तो ए भी स्टार्ट है, ए भी स्टार्ट है, ए भी स्टार्ट है, और तुसी इतने देखो W W W और एंड पे भी सब दे ओ ओ ओ है। अच्छा W तो बाद K भी कॉमन है सारे अच्छे, ठीक है, तो इट मीन्स श्योर है कि इतने तक K ही होना चाहिए सीगा। 9 9 2 11, ठीक है। उस तो बाद S S 19 दे आंदा, 19 + 3 22 हो जाएगा और 22 दे आएगा V। W K V वाला है जो वो मेरा सही होएगा, और W K V इतने भी है और इतने भी है, दो ऑप्शन हो गया, ये तो हो नहीं सकता आंसर। उस तो बाद नेक्स्ट एच 8 ते है, 8 + 4 करोगे 12 12 दे आना चाहिए है एल। सो एल आ रहा मेरा फर्स्ट ऑप्शन दे विच, सो ऑप्शन जड़ी ए है वो बिल्कुल सही होएगा, ठीक है जी। मनजीत सिंह का आंसर सही सी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल सीक्वेंस, देखो लॉजिकल सीक्वेंस या अल्फाबेटिकल सीरीज का सॉरी डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन पेपर से आ जाता होता है। सो एक क्वेश्चन है लॉजिकल सीक्वेंस का, करो ट्राई सारे इस क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर इस दे लगे कि लॉजिकल सीक्वेंस के जो ऑप्शन दिते ने वो गलत है, तो जो सही अरेंजमेंट बनता वो तुसी अपने आप लिखना है कि किस तरह अरेंज होना चाहिए, राइट। लॉजिकल सीक्वेंस का जो करेक्ट ऑर्डर बनता है वो तुसी आप ही लिखना है, चेक करो केड़ा होना चाहिए, ऑप्शन समझोगे, ऑप्शन गिवन ही नहीं है तुम्हें। करो भी आंसर करते ही नहीं तुसी किसी भी क्वेश्चन का जल्दी जी। एक स्टूडेंट है गुरप्रताप, उसका आंसर आया है, ठीक है देख दिया भाई। बाकी स्टूडेंट इन्हें इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे तो किवें करोगे भाई। एक स्टूडेंट गुरप्रताप कह रहे हैं कि 1 4 5 2 3, मतलब कि पहला तुसी स्टडी करोगे तब तो पहले नंबर पे तो वन ही आएगा, फिर तुसी एग्जाम दोगे, ठीक है, फिर कितने जॉब लिए अप्लाई करोगे, स्टडी करोगे जो तुम्हारी ग्रेजुएशन वगैरह की स्टडी है, फिर उसके लिए एग्जाम दोगे, फिर किसी जॉब लिए अप्लाई करोगे। हुण ये ना सोचना कि पहला जॉब स्टडी करके अप्लाई करांगे किधरे फिर एग्जाम दवांगे, ठीक है। जरूरी नहीं हर एक बंदा गवर्नमेंट लगे, कितने तुसी सोचे जी सर असी तो पहला अप्लाई किया जी पटवारी के पेपर लिए, ठीक है, ऐदा नहीं सोचना। हो सकता है कि प्राइवेट जॉब लिए अप्लाई करना हो तो एग्जाम्स तो बाद ही करोगे, तो अपनी एक बेसिक स्टडी करोगे फिर एग्जाम लिए अप्लाई एग्जाम दोगे, फिर तुसी कितने जॉब लिए अप्लाई करोगे, फिर तुम्हें जॉब मिलेगी और फिर तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट होगी। सो 1 5 4 2 3 जिहड़ा करैक्ट सीक्वेंस है ये होना चाहिए सीगा, ठीक है जी। जिस तरह गुरुप्रताप ने आंसर दिता 1 4 कि पहला स्टडी करेंगे फिर अप्लाई करेंगे फिर एग्जाम देवांगे, राइट। तो तुसी चल रहे हो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जॉब दे, ठीक है। हम जरूरी नहीं हर एक बंदा गवर्नमेंट जॉब करे, समझ रहे हो, तो इसलिए की है पहला तुसी अपनी स्टडी करोगे
जो भी स्टडी की है ग्रेजुएशन वगैरह उसके एग्जाम दोगे, फिर कितने जॉब लिए अप्लाई करोगे, फिर जॉब मिलेगी, फिर अर्निंग मिलेगी, ठीक है। उस तो बाद तुसी समझदारी हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशन का, जल्दी जल्दी आंसर करो इसका, ठीक है जी। ब्लड रिलेशन का जल्दी जल्दी आंसर। क्वेश्चन है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। देखो ब्लड रिलेशन का अगर क्वेश्चन आता है जल्दी जल्दी पढ़ना और जल्दी जल्दी सॉल्व करना, ठीक है। जिस तरह पहली लाइन है ए इज द ब्रदर, ए ब्रदर है किस द, बी द, और उसके बाद सी इज द फादर ऑफ ए, सी पिता है ए द, और उसके बाद डी इज द ब्रदर ऑफ ई। हम डी और ई इतने नहीं दिख रहे ना, साइड से बना लिया करो। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ऑल्सो नेक्स्ट लाइन है ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई है जो डॉटर है बी दी, और डी की सी का ई द ब्रदर सी। कंप्लीट हो गया। देन उसने क्या, देन अंकल ऑफ डी, डी द अंकल कौन है भाई, डी द अंकल कौन है, ए हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा इतने ऑप्शंस दिख नहीं रही हैं तनु, ठीक है। ऑप्शन है ए ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है सी, एंड ऑप्शन डी है डी। सो फर्स्ट जरा है आंसर वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, राइट। समझ गए राजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, क्लास का टाइम थोड़ा सा रह गया, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं अपने सारे। अगला क्वेश्चन भी है अपना ब्लड रिलेशन का, और क्वेश्चन है कि पी इज द ब्रदर ऑफ डी। जिवे ही क्वेश्चन पढ़ो बस जल्दी जल्दी सोल्व करना है। जिस तरह उसने किया है कि पी इज द ब्रदर ऑफ डी, पी प्रा है डी द, एंड एक्स इज द सिस्टर ऑफ पी, एक्स सिस्टर है पी दी। ए इज द ब्रदर ऑफ एफ, हूँ ए और एफ दिख नहीं रहे, साइड पे बना देना है। ए ब्रदर है भाई, ए इज द ब्रदर ऑफ एफ, एंड एफ इज द डॉटर ऑफ डी, एफ डॉटर है किस दी, डी दी। तो डी इथे आ गया, इट मीन्स ए दोनों इथे आ जाएंगे, ए इथे आ गया और एफ आ जाएगा इथे, और एफ फीमेल है, ठीक है। उसके बाद एम इज द फादर ऑफ के, एम फादर है के दा, लेकिन एम और के दोनों ही नहीं गिवन, तो इथे बना लो एम इज द फादर ऑफ के, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। ओके एम इज द फादर ऑफ के किते गिवन नहीं सीगा अपना स्टेटमेंट दे विच, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है। पी इज द ब्रदर ऑफ डी, पी इज द ब्रदर ऑफ डी, एंड एक्स इज द सिस्टर ऑफ पी। ए इज द ब्रदर ऑफ एफ, एंड एफ इज द डॉटर ऑफ डी, एम इज द ब्रदर ऑफ के, एम इज द ब्रदर ऑफ के। ए के कितने भी गिवन नहीं, आई थिंक के की जगह पे एक्स होना चाहिए सीगा, ठीक है। चलो के नु अपन एक्स मान के चलते हैं, के एम इज द फादर ऑफ एक्स, इथे लेके चलते हैं, के की जगह पे एक्स मान के चलते हैं सारा अपन, ठीक है। सो इथे भी जो दिता है के इज द फादर ऑफ एक्स, नहीं कितने ना कितने क्वेश्चन के विच मिस्टेक है राजे, अपन दस नहीं सकते क्योंकि एम और के कितने भी गिवन नहीं, अपन कितने लगा ही नहीं सकते सीगे, ठीक है। या चलो उन्होंने अगर आप साइड भी रख देने, अगर इस चीज़ को आप साइड भी रख दें तो फिर की बनेगा देखते हैं एक बार, ठीक है। जिस तरह पहला दिता गया के इज द सन ऑफ जेड, कि के सन है जेड का, स्टेटमेंट के विच दा जेड भी नहीं आया कितने, आई थिंक इस क्वेश्चन के विच कितने ना कितने एरर है। छोड़ो इस क्वेश्चन, बाद च इसमें देखेंगे एंड पे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आप करते हैं डिस्कस। लास्ट वाले क्वेश्चन के विच कितने एरर सी, आई थिंक स्टेटमेंट इनकम्प्लीट सी, स्टेटमेंट दे विच कुछ मिसिंग सीगा। अगला क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। मनी एंड विनी आर टू ब्रदर्स हु आर फेसिंग ईच अदर, शेडो ऑफ मनी, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है अगला, इसनों कंप्लीट करते हैं आप, ठीक है जी। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, इसनों कंप्लीट करते हैं आप, और डायरेक्शन सेंस दे विच क्वेश्चन है जो की है कि मनी एंड विनी आर टू ब्रदर्स हु आर फेसिंग ईच अदर, कि मनी एंड विनी दो ब्रदर है एक दूसरे बार आपस से गल कर रहे हैं। कहना द शेडो ऑफ मनी फॉल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विनय, जो मनी का शेडो है वो की है विनय के बिल्कुल लेफ्ट साइड से पै रहा है। सो इन विच डायरेक्शन मनी इज फेसिंग, तो दसो कहना कि मनी का फेस किधर है, दस सकते हैं मनी का फेस, भाई अपन तो यही नहीं पता
अपन तो यही नहीं पता कि जो अपना है की नाम लेंदे ने कि जो मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है, ये तो गिवन ही नहीं है अपन। जो अपन मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम ही नहीं पता, सो आप दस ही नहीं सकते सन किस साइड होएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा अपना कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि इस तरह की आप शेडो फाइंड नहीं कर सकते इस चीज की। राइट, समझ गए इस गल नू? आप शेडो की है फाइंड कर ही नहीं सकते क्योंकि सन की पोजिशन गिवन नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस दिए करो भी, ये भी ई गुरु प्रताप कैन नॉट बी डिटरमाइन, बिल्कुल सही आंसर सीखा। अगला जो क्वेश्चन है वो की है कि ना, विनय स्टार्टेड हिज जर्नी टुवार्ड्स नॉर्थ टू रीच हिज ऑफिस, आफ्टर रीचिंग द ऑफिस ही टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 45 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। विनय अपने दफ्तर पहुंचने लिए उत्तर वाला अपनी यात्रा शुरू करता है, मतलब कि फेस किस डायरेक्शन वाला है, स्टार्टिंग फेस किस डायरेक्शन वाला है भाई, नॉर्थ वाला है। ठीक है जी, और पहले तो चल रहा है 180 डिग्री क्लॉकवाइज और फिर चल रहा है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर डिफरेंस लोगे तो 135 आ जाएगा पॉजिटिव। याद करो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दे विच दस्या सीगा कि क्लॉकवाइज दे एक साइड जोड़ लो और एंटी क्लॉकवाइज जो एक पासे, और क्लॉकवाइज दे विच एंटी क्लॉकवाइज नो माइनस लो। ठीक है, तो ये कितना क्लॉकवाइज 180 है, एंटी क्लॉकवाइज 45 है, दोनों नो माइनस करा के आ जाएगा 135 डिग्री, केड़ा आएगा पॉजिटिव आएगा, इट मींस क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज जाएगा। अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन वाला फेस कर रहा सी, अगर उसका फेस नॉर्थ वाल सी, तो 135 डिग्री अगर क्लॉकवाइज चलता है तो इतों आके इतने 90 है और इतने आके की हो जाएगा 45 और ऐड हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा ना, और ए डायरेक्शन के लिए साउथ और ईस्ट। सो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन डी आ जाएगा, साउथ ईस्ट। राइट, सो आंसर आ जाएगा इतने अपना साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी अपना डायरेक्शन साइंस का क्वेश्चन है, इसनों भी जल्दी जल्दी करो सारे, डायरेक्शन साइंस का क्वेश्चन है, इसनों भी जल्दी करो। अगला क्वेश्चन है कि ना, एक मैन है गोस टुवार्ड्स ईस्ट 5 किलोमीटर, मतलब कि मान लो इथो स्टार्ट करता है जर्नी और ईस्ट वाल चलता है कि ना भी 5 किलोमीटर। ठीक है, देन ही टेक्स ए टर्न टू साउथ वेस्ट, और फिर की करता है साउथ वेस्ट वाल टर्न करता है और चलता है कि ना 5 किलोमीटर, साउथ वेस्ट इथे आगे अगर टर्न करेगा तो 5 किलोमीटर इधर चलेगा। ठीक है जी, उस तो बाद की करता है, ही अगेन टेक्स ए टर्न टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट, इथे आ गया नॉर्थ वेस्ट वाल चलता है, नॉर्थ वेस्ट वाल अगर इथे वो पहला आ गया साउथ वेस्ट, हम दोबारा चलता है नॉर्थ वेस्ट वाल, नॉर्थ वेस्ट जाएगा। अगर आप देखिए कि अपन नॉर्थ है साउथ है वेस्ट है ईस्ट है, ठीक है ए नॉर्थ वेस्ट है, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट है तो इधर नु जाएगा और जाएगा कि ना नॉर्थ वेस्ट एंड गोस 5 किलोमीटर और दोबारा चलता भी 5 किलोमीटर। अगर ए भी 5 है, ए भी 5 है, तो ए भी 5 है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, फिर कहना 5 किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, वेयर इज ही नाउ, हूँ वो कितने अभी वेस्ट दे किवें आ गया भाई, 5 इधर गया 5 इधर गया और फिर 5 वापस आया, तो किस डायरेक्शन से आ गया, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक तरह ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है जरा बन गया और आंसर आ जाएगा एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितने आ जाएगा राजे, बिल्कुल अपने फर्स्ट वाले पोजिशन से आ जाएगा। ठीक है जी, राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्वेश्चन है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ठीक है जी,
जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। सो इसनों भी करते हैं आप कि द इनेक्वी विजे इज 14th फ्रॉम द फ्रंट पॉइंट नहीं फ्रंट है थे एंड जैक इज 17th फ्रॉम द एंड कि जेड़े एक रो है जिसके विजे की है 14th नंबर पे मान लो ये विजे है 14th नंबर पे है एंड जैक है जेड़ा एंड तो 17वें नंबर पे ठीक है। व्हाइल मैरी इज बिटवीन विजे एंड जैक कहना जदों की मैरी है एक विजे और जैक के बिल्कुल विचकार बैठी है ठीक है। इफ विजे बी अहेड ऑफ जैक कहना जे विजे जैक तो अगे बैठा है बिल्कुल जैक तो अगे ही बिठाया आपां ऑलरेडी अगे बिठाया एंड देयर आर 48% इन एक वी और पूरी लाइन के 48 व्यक्ति हैं पूरी लाइन के विच किन्ने ने 48 व्यक्ति है तो आप देखते भी 14 और 17 किन्ने हो गए कत्ती तो यही हो गए और रह किन्ने गए भी 17 जने रह गए। अगर कत्ती इतने हो गए 17 जने रह गए तो 17 जने वो बिल्कुल विचकार बैठे होंगे और वो जो 17 जने विचकार बैठे होंगे 8 जने इधर बैठ गए 8 जने इधर बैठ गए और एक ये होगी टोटल हो गए ना वाले 17 जने। अगर मैरी नू बिल्कुल विचकार बिठाना सी तो 8 इधर रखने पैणगे 8 उधर रखने पैणगे 8 प्लस 8 16 और एक 17 ठीक है। तो उसने पूछा कि हाउ मेनी परसन आर देयर बिटवीन विजे एंड मैरी तो विजे और मैरी के विचकार विजे और मैरी के विचकार तो अपन साफ ही दिख रहे हैं कितने परसन है भाई 8 परसन है। सो देयर आर 8 परसन बिटवीन विजे एंड मैरी। 15 नंबर क्वेश्चन सर डाउट है 15 नंबर डाउट है ठीक है जी गुरप्रताप ओके। 15 नंबर क्वेश्चन से डाउट सी एक स्टूडेंट नू भी दोबारा देख लो कि एक परसन है उसने की किया बई ईस्ट वाल जाना शुरू किया मान लो इतों स्टार्ट किया और ईस्ट वाल गया 5 किलोमीटर ठीक है जी। फिर उसने की है साउथ वैसट एस साइड है ना तो साउथ वैसट आना शुरू किया 5 किलोमीटर आप मना इतने और फिर उसने नॉर्थ वैसट इस तरह उपर जाता इट मीनस वो जाएगा इतों उपर जाएगा और जाएगा कि ना 5 किलोमीटर अगर 5 किलोमीटर इतने इन्ना है और 5 किलोमीटर इतने भी जाएगा तो जरा आप पॉइंट आएगा बिल्कुल आएगा इसके ऑपोजिट पॉइंट पे ठीक है जी। तो वो बिल्कुल कितने आ जाएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा ठीक है जी समझ गए। अगर इतों लैके इतों तक 5 किलोमीटर है और इतों लैके इतों तक फिर 5 किलोमीटर जाना है तो जोड़ा पॉइंट इतों इतों जिन्ना पॉइंट है उन्हें ही पॉइंट इन्ना रहेगा मतलब आप पॉइंट ए की है दोनों एक दूसरे के सामने सामने आ जाए राइट ऐसा ही वो आ जाएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ठीक है जी ओके। क्वेश्चन नंबर 17 आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है जल्दी जल्दी इसका आंसर करो राजे क्वेश्चन नंबर 17 का जल्दी जल्दी आंसर करो सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स अमंग दो स्टूडेंट्स हु पास्ड अनमोल्स प्योर 11th पोजीशन फ्रॉम द अपवर्ड्स एंड 15th फ्रॉम द डाउनवर्ड्स 45 विद्यार्थियों की एक जमात में जिहड़े विद्यार्थी पास होए उन्हां विचों अनमोल ने उपर तो 11वां ते हेठां तो 15वां स्थान मतलब कि अनमोल है अगर तो उपर तो पता करिए तो 11वां है और इधरों पता करिए तो 15वां स्थान है मतलब इधर 10 जने बैठे ही होणगे और इधर 14 जने बैठे होणगे 10 से 14 24 और एक 25 टोटल किन्ने जने हो गए बई 25 जने ठीक है। लेकिन क्लास के विच किन्ने जने टोटल 45 जने और ए रैंक किस चो सी जिहड़े स्टूडेंट पास होए सी मतलब इट मीनस पास किन्ने जने हुए सिर्फ और सिर्फ 25 जने टोटल 45 सी तो फेल किन्ने हो गए 20 जने राइट। बड़ा इजी जा क्वेश्चन सीगा ठीक है जी। सो ये सीगा आज दी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होप सो सारे नु सेशन अच्छा भी लग्या होएगा और क्वेश्चन समझ भी आए होंगे और जल्दी करने किस तरह वो भी पता लग गया ठीक है। सो राजे मिलने हैं अपनी इवनिंग क्लास के विच और कल मिलेंगे दोबारा ही ऐसे टाइम अपने क्रैश कोर्स वाली क्लास के विच उदों तक बाय बाय टेक केयर हैव ए नाइस डे तैयारी करते रहो ऑल द बेस्ट फॉर योर पटवारी एग्जाम्स रोल नंबर सारे स्टूडेंट्स आ गए ने एक बार चेक कर लेने ने सबने ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के विच।